नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल एबी टेक में और मैं हूं ब्रजेंद्र। दोस्तों आज है 15 सितंबर और 15 सितंबर की प्रमुख खबरें जान लेते हैं जो आज के प्रमुख समाचार पत्रों पर छाई हुई हैं और आप लोगों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। चलिए शुरुआत करते हैं आज के वीडियो की। दोस्तों जो सबसे पहली खबर निकल के आ रही है वो है केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्री संतोष गंगवार का एक बयान आया हुआ है जिसमें को आप लोग देख सकते हैं स्क्रीन पर कि नौकरी की नहीं उत्तर भारतीयों में योग्यता की है कमी। ठीक है, ये बयान दिया गया है केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्री संतोष गंगवार की तरफ से और कहा है कि देश में नौकरियों की कमी नहीं है, हमारे उत्तर भारत के लोगों में योग्यता की कमी है। यहाँ नौकरी के लिए रिक्रूट करने वाले अधिकारी बताते हैं कि उन्हें जिस फन के लिए लोग चाहिए उनमें वो योग्यता नहीं है। तो ये एक विवादित बयान कह सकते हैं आया हुआ है। ऐसा नहीं कि इंडिया में या उत्तर भारत में योग्य भर्तियों की कमी है। अगली न्यूज़ की दोस्तों बात करें तो ये न्यूज है कर्मचारियों के लिए, जो भी थर्ड ग्रेड और फोर्थ ग्रेड कर्मचारी बनना चाहते हैं, तृतीय श्रेणी चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी, उनके लिए न्यूज है कि आउटसोर्सिंग कर्मचारियों की भर्ती सेवायोजन पोर्टल से। आप लोग जानते हैं कि अभी कुछ दिन पहले न्यूज आई थी, 2-3 दिन पहले की बात है कि माध्यमिक स्कूलों में चपरासी की भर्ती होनी है। ठीक है, तो वहाँ पर भर्ती के लिए रिक्त पदों का ब्यौरा जुटाया गया है और ये अब आज न्यूज निकल के आ रही है कि यूपी के जितने भी सरकारी विभाग हैं, संस्थान हैं, उसमें तृतीय श्रेणी और चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की जो भी भर्ती होगी वो आउटसोर्सिंग से होगी और ये आउटसोर्सिंग से भर्ती में वही लोग शामिल हो सकेंगे जो सेवायोजन पोर्टल में रजिस्टर होंगे। ठीक है, तो काफ़ी ऐसे अभ्यर्थी हैं जो इस भर्ती के लिए इंतज़ार भी कर रहे हैं, तो आप लोग सेवायोजन पोर्टल में रजिस्ट्रेशन जरूर करा लीजिए। रजिस्ट्रेशन बिल्कुल फ्री होता है, कोई भी पैसा आपको नहीं देना है और थर्ड ग्रेड फोर्थ ग्रेड कर्मचारियों के अलावा भी बाकी जो फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड की नौकरी करना चाहते हैं उनके लिए भी सेवायोजन पोर्टल में पंजीकरण कराना कंपलसरी है, क्योंकि आने वाले टाइम में आप लोग जब फॉर्म भरेंगे तो वहां पर आपसे सेवायोजन पोर्टल का रजिस्ट्रेशन नंबर की डिटेल से मांगेगा, तो आप लोग रजिस्ट्रेशन ज़रूर करा लें। रजिस्ट्रेशन कैसे कराना उसके लिए मैं डिटेल वीडियो बना चुका हूँ, डिस्क्रिप्शन में नीचे लिंक दिया गया, ऊपर आई बटन पर भी यहाँ पर लिंक मिल जाएगा, यहाँ पर क्लिक करके आप लोग वीडियो दे सकते हैं और रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपको वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन पे दिया गया, वहाँ से जा करके आप लोग ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। ठीक है, अगली न्यूज़ की दोस्तों बात करें तो ये न्यूज है जेई के पदों के लिए भर्ती के लिए कि 3000 से अधिक जेई के पदों पर भर्ती होनी है और ये काफ़ी टाइम से पेंडिंग पड़ी हुई है, अभ्यर्थी इसका इंतजार कर रहे हैं। दोस्तों हम बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश सम्मिलित राज्य अभियंत्रण सेवा परीक्षा 2013 के तहत जो भर्ती आई थी जेई की, लगभग 3000 इसमें पद आए थे। 2013 की भर्ती है, 2016 में परीक्षा हुई थी और भर्ती प्रक्रिया अभी भी फंसी हुई है। ठीक है, तो काफ़ी सारे अभ्यर्थी हैं जो इस भर्ती का इंतजार कर रहे हैं, ऐसे में अभी तक इन भर्तियों रिजल्ट नहीं घोषित किया गया आयोग की तरफ से। ठीक है, अगली न्यूज की दोस्तों बात करते हैं तो ये न्यूज है यूपी बोर्ड को लेकर के। यूपी बोर्ड जो परीक्षा होनी है फरवरी 2020 में, पहली बार सभी केंद्रों पर लाइव वेब कास्टिंग की जाएगी। यूपी बोर्ड की हाई स्कूल और इंटरमीडिएट परीक्षाएं 2020 जो फरवरी में होनी है उसके लिए सभी केंद्रों की वेबकास्टिंग होगी। जिला स्तर पर यानी जिला विद्यालय निरीक्षक कार्यालय में कंट्रोल रूम बनेगा जहाँ से इंटरनेट की मदद से प्रत्येक केंद्र की लाइव निगरानी की जा सकेगी। दोस्तों ये पहली बार लाइव ब्रॉडकास्टिंग वाला सिस्टम लागू किया जा रहा है, अभी तक सीसीटीवी कैमरे की निगरानी में परीक्षाएं होती थी लेकिन इस बार लाइव ब्रॉडकास्टिंग की जाएगी। ठीक है, अगली दोस्तों न्यूज की बात करें तो एक बार फिर से बीएड को प्राइमरी से बाहर कर दिया गया है, ये आप नोटिफिकेशन देख पा रहे होंगे, ये सिक्किम का नोटिफिकेशन है। सिक्किम में एस्टेट के फॉर्म आए हुए हैं, ठीक है, सिक्किम टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, तो वहाँ पर बीएड को प्राइमरी भर्ती में शामिल नहीं किया गया, भर्ती में बाहर कर दिया गया प्राइमरी से। आपको पता हो तो शायद 16 सितंबर या 17 सितंबर से DSSB प्राइमरी की भी फॉर्म शुरू हो रही है, इसमें भर्ती आई हुई है। ठीक है, DSSB से प्राइमरी की भर्ती आई हुई है, तो यहाँ पर भी बीएड को अलाउ नहीं किया गया प्राइमरी में, तो
उसी तरीके सिक्किम में भी बाहर कर दिया गया। ये आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर प्राइमरी भर्ती के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बताई गई है। पहली एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है डीएलएड वालों के लिए, दूसरा है बीएलएड वालों के लिए, तीसरा है डिप्लोमा इन एजुकेशन यानी स्पेशल एजुकेशन वालों के। सिर्फ तीन लोग ही आवेदन कर सकते हैं, बीएड को यहाँ पर शामिल नहीं किया गया। इसी तरह से DSSSB में बीएड को प्राइमरी में शामिल नहीं किया गया है, ठीक है। अगली न्यूज़ की दोस्तों बात करते हैं, तो ये न्यूज है एलटी गेट को लेकर के। एलटी गेट का मामला आप लोग जानते हैं कि सब कुछ होने के बाद भी अभी अभ्यर्थी इंतज़ार कर रहे हैं। काफ़ी सारे विषयों का रिजल्ट जारी कर दिया गया है और कुछ अभ्यर्थी जिनका रिजल्ट आ चुका है वो लोग दस्तावेजों के सत्यापन की भी मांग कर रहे हैं, और कुछ अभ्यर्थी जिनका अभी रिजल्ट नहीं आया है वो रिजल्ट जारी कराने की मांग कर रहे हैं। लेकिन आयोग अभी बिल्कुल पूरी तरीके से निष्क्रिय है। कुछ दिन पहले अभ्यर्थियों की मीटिंग हुई थी अध्यक्ष से, उन्होंने बताया था कि बहुत जल्द एलटी गेट के रिजल्ट जारी कर दिए जाएंगे और सभी रिजल्ट लगभग एक साथ जारी किए जाएंगे। अब इसमें कितना टाइम लेता है ये तो आयोग ही बता सकता है। हालांकि आयोग ने 20 सितंबर तक का आश्वासन दिया था कि 20 सितंबर तक कुछ विषयों के रिजल्ट जरूर से ज़रूर आ जाएंगे। अब देखना ये होगा क्या वाकई में आ पाते हैं या नहीं आ पाते हैं। अगली न्यूज़ की दोस्तों बात करते हैं, तो PCS को लेकर के अपडेट है कि 676 PCS अफसरों के चयन को साक्षात्कार कल से। प्रदेश में कल से 676 PCS अफसर के इंटरव्यू शुरू होने वाले हैं और अगले माह यानी अक्टूबर में इन पदों का अंतिम परिणाम आ सकता है। PCS 2017 की ये बात चल रही है, तो फिलहाल अक्टूबर में इन लोगों को तैनाती मिल सकती है। वहीं पर प्राइमरी शिक्षक भर्ती की बात करें, प्राइमरी भर्तियों की बात करें, मतलब जो प्रेरणा ऐप था उसको लेकर के यहाँ पे अपडेट दी गई है कि शिक्षकों की छुट्टियाँ ऑनलाइन मंजूर की जाएं द्विवेदी। आप लोग जानते हैं यूपी के जितने भी प्राइमरी स्कूल हैं सभी में प्रेरणा ऐप से अटेंडेंस भेजना कंपलसरी कर दिया गया है, लेकिन शिक्षक हैं जो इसका विरोध कर रहे हैं। तो प्रेरणा ऐप में अब ये भी फैसिलिटी मिलेगी कि छुट्टियाँ इससे कर सकते हैं, छुट्टियों के लिए आवेदन कर सकते हैं और ऑनलाइन ही मंजूर की जाएंगी। द्विवेदी ने ऐसा कहा है कि ये सब जो डाटा है 30 सितंबर तक अपडेट कर दिया जाना चाहिए, जिससे 15 अक्टूबर तक इसमें पूरी तरह से लागू कर दिया जाए। अगली न्यूज़ की दोस्तों बात करते हैं, तो ये न्यूज़ है ITR को लेकर के कि जो सैलरीड पर्सन है अपना ITR फॉर्म भरे हैं तो वो लोग ITR फॉर्म को सत्यापित जरूर कर लें, बिना सत्यापन के आपका फॉर्म पूरी तरीके से निरस्त हो जाएगा। यहाँ पर दिया गया एक डाटा कि 31 अगस्त इसकी लास्ट डेट थी, 31 अगस्त तक लाखों अभ्यर्थियों ने यहाँ पर फॉर्म भरा है। लगभग एक रिकॉर्ड दिया है कि 5.65 करोड़ लोगों ने 31 अगस्त तक पूरा फॉर्म कंप्लीट किया हुआ है, मतलब ITR फिल किया हुआ है। लेकिन इसमें से 2.04 करोड़ लोगों ने अपना फॉर्म का सत्यापन नहीं कराया है। तो अगर आप लोग फॉर्म का सत्यापन नहीं कराएंगे तो आपका ITR फॉर्म पूरी तरीके से निरस्त कर दिया जाएगा, और अगर आपका कोई रिफंड का दावा है तो रिफंड भी नहीं मिलेगा। अगर आपका टैक्स पेड है तो आपके ऊपर जुर्माना भी लगेगा। तो ये आयकर विभाग की तरफ से जारी किया गया है कि आप लोग अपना फॉर्म जरूर सत्यापित करा लें। सत्यापन कराने के लिए कुछ स्टेप्स ही बताए गए, 3 स्टेप्स हैं। यहाँ पर आपको ई वेरीफिकेशन भी करवा सकती हैं। ई वेरीफिकेशन में EVC के थ्रू या जनरेट EVC के थ्रू या आधार OTP के थ्रू आप लोग अपना आधार जो इनकम टैक्स है वो वेरीफाई करा सकते हैं। बाकी ऑफलाइन भी आप लोग सत्यापन इसका करा सकते हैं, तो जरूर से जरूर करा लें अगर आपने नहीं करवाया है तो। अगली न्यूज़ की दोस्तों बात करें, तो यहाँ पर न्यूज है प्रधानाचार्यों की पदोन्नति को लेकर के। प्रधानाचार्यों की पदोन्नति और पदस्थापन में अड़ंगा, ये जो अड़ंगा है कोई और नहीं लगा रहा है, ये अफसर ही लगा रहे हैं। यहाँ पर दिया गया कि शासन से पूरा रिपोर्ट मांगी गई है लेकिन अफसर इन पदोन्नति में बाधा बने हुए हैं। वो पदोन्नति की रिपोर्ट भेजने तक में आनाकानी कर रहे हैं। अब शासन ने प्रधानाचार्यों का चयन करने की फिर से पहल की है, तो ये जो अफसर हैं इनका क्या किया जाए। बैठे बैठे अधिकारी गण होते हैं जो कि सब काम रोकते रहते हैं। अगली न्यूज़ की बात करते हैं दोस्तों, ये न्यूज है शिक्षकों को लेकर के, प्राइमरी भर्ती को लेकर के, ठीक है। तो यहाँ पे दिया है कि अब जो प्राइमरी विद्यालय हैं उनमें जो शिक्षक हैं उनका रिपोर्ट कार्ड बच्चे तय करेंगे। यहाँ पे दिया गया है अब सरकारी प्राइमरी स्कूलों में पढ़ाने वाले शिक्षकों का भी रिपोर्ट कार्ड तैयार होगा, इसके लिए बच्चों की परीक्षा ली जाएगी।
बच्चे जैसी परफॉर्मेंस करेंगे उसी के आधार पर स्कूल का रिपोर्ट कार्ड तय होगा और उसी के आधार पर शिक्षकों के भी ग्रेड तय किए जाएंगे। ये व्यवस्था अगले शैक्षिक सत्र से लागू करने की तैयारी है। ठीक है, तो दोस्तों ये कुछ खबरें थी आज के वीडियो की। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। चैनल पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल निशान जरूर दबा लीजिएगा। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।